अस्सलाम वालेकुम सबाज़ बेस्ट क्लासेस में आज हम इंशाल्लाह एक बहुत ही आसान सी तवा चिकन बिरयानी बनाना बता रहे हैं। बहुत सिंपल है, बहुत मज़ेदार है और साथ ही बहुत ज़्यादा जल्दी यानी झटपट बन जाती है। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। अगर रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और ज़रूर कीजिए। तो चलिए इसे बनाना हम अब शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हम 1 किलो चिकन ले रहे हैं। इसे साफ़ अच्छी तरह से धो लीजिए और उसके बाद इसमें ऐड कीजिए 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून पिसी हुई हरी मिर्च और 1 टेबलस्पून नमक ऐड कीजिए। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट। ताज़ा पिसा हुआ अदरक लहसुन पेस्ट होगा तो बेहतर होगा। 1 टेबलस्पून आप इसमें तंदूरी चिकन मसाला डालें और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कीजिए और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर डाल दीजिए। 1 टेबलस्पून तली हुई प्याज का तेल डालिए या फिर नॉर्मल तेल ऐड कीजिए और सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से चिकन पर मल लीजिए। ठीक है, इसे हम कुछ देर इसी तरह से रखेंगे ताकि सारे मसाले चिकन में एब्जॉर्ब हो जाएं और चिकन टेस्टी बने। और उसके बाद इसमें 1/2 कप दही डाल दीजिए। गाढ़ा दही डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थिक दही डाल दीजिए और उसके बाद आप इसे इस दही को चिकन पर अच्छी तरह से मल लीजिए। ठीक है, अब इसमें 2 टीस्पून नींबू का रस ऐड कीजिए। नींबू का रस हमने इसमें ऐड कर लेना है और बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा रेड फूड कलर ऐड कर सकते हैं, मेरी तरह मैंने इसमें रेड फूड कलर ऐड किया है। अब देखिए तवा गरम कीजिए, एक बड़ा सा तवा गरम कीजिए और उस पर ये सारा चिकन डाल दीजिए। तेल गरम करके उस पर ये चिकन डाल दीजिए। मैंने आधा कप तेल गरम किया था, उस पर ये सारा चिकन मैंने अरेंज किया और उसके बाद आप इस पर ढक्कन ढक दीजिए। गैस के फ्लेम को हाई रखिए। शुरुआत में हमने गैस के फ्लेम को हाई रखना है और हाई फ्लेम पर हमने इस चिकन को पकाना है। फिर बीच बीच में आप फ्लेम को कम भी कीजिए ताकि नीचे से चिकन जले नहीं। बस नीचे से जलना नहीं चाहिए, हल्का सा ब्राउन होना चाहिए। ब्राउन होगा तो बहुत अच्छा लगेगा। देखिए बीच बीच में से चिकन को पलटते रहिए ताकि एक दूसरी तरफ से भी ये बहुत अच्छी तरह से पक जाए। दोनों तरफ से हमने उल्टा पलटा कर अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लेना है। और थोड़ा सा चिकन पर अगर नीचे से थोड़ा सा ब्राउन अगर दाग लगता है तो ये चिकन बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो हमने इस चिकन को पका भी लेना है और फ्राई भी कर लेना है। ठीक है, तो हमारा चिकन फ्राई हो गया है। अब हम लेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 8 लौंग लेंगे और साथ ही हम 6 हरी इलायची ले लेंगे। और देखिए यहाँ हमने 3 छोटे छोटे तेज पत्ते लिए हैं और 4 इंच की दालचीनी यानी खलमी है और 2 टीस्पून शाजीरा है। और उसके बाद 1 कप तली हुई प्याज ले लीजिए और 1 सिंपल प्याज यानी बिना तली हुई प्याज लीजिए और 1 टमाटर लीजिए, कटा हुआ टमाटर हमने लिया। और 3 टेबलस्पून हरा धनिया ले लीजिए और 10 से 12 हरी मिर्चें ले लीजिए चीरी हुई और 2 टेबलस्पून पुदीना लीजिए। और उसके बाद हम इसमें 1 कप दही ऐड करेंगे और दही ऐड करने के बाद 1 टीस्पून नमक डाल दीजिए। सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। देखिए हमने सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और अब इसमें डाल दीजिए 1/2 कप तली हुई प्याज का तेल। सारी चीज़ें मिक्स कीजिए और अब इसमें 1 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर ऐड कीजिए। हरी इलायची का पाउडर ज़रूर ऐड करें, इससे इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। यानी अब हमने क्या करना है, यहाँ पर 750 ग्राम बासमती चावल लेने हैं। इसे आप अच्छी तरह से धो लें और धोने के बाद इसे भीगने के लिए रख दें। अब यहाँ मैंने पानी उबलने के लिए रखा है। पानी उबलने के बाद इसमें नमक ऐड कीजिए और उबलते हुए पानी में आप डाल दीजिए थोड़े से गरम मसाले और फिर चावल डाल दीजिए और चावल डालकर आप उसे उबाल लीजिए। चावल को हमने देखिए यहाँ पर एक बात बता रही हूँ मैं, 100% या 99% पका लेना है। और इसमें मैंने 1 टीस्पून शाजीरा डाला और इसमें अखनी का थोड़ा सा 1 टेबलस्पून मसाला डाल दिया ताकि चावल में भी बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। ठीक है, यानी 1-2 टेबलस्पून अगर हम अखनी का मसाला डालते हैं तो ये जो चावल है वो बहुत टेस्टी बनते हैं, इसमें भी इसका फ्लेवर आ जाता है। तो 2 टेबलस्पून मसाला अखनी का जो मैंने अभी बनाई थी कच्ची वाली अखनी दही की, वो इसमें डाल दें और चावल को अच्छी तरह से पका लें। देखिए हमारा चिकन बहुत अच्छी तरह से पक गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा साइड करके ऊपर से ये अखनी डाल देंगे। आप चाहें तो इस अखनी के साथ इस चिकन को पहले पका भी सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ये अखनी कच्ची रख रही हूँ। ठीक है, यानी कच्ची ही अखनी मैं इस पर डाल रही हूँ। आप चाहें तो चिकन के साथ इस अखनी को पका लें। मैं अब इस पर डाल रही हूँ ये चावल जो मैंने 99% पका लिए हैं।
ठीक है, 99% पके हुए चावल इस पर डाल दीजिए, चिकन पर। उस पर थोड़ा सा पानी डालिए और उसके बाद हम इस पर डाल देंगे तली हुई प्याज, हरा धनिया, पुदीना और थोड़े से यानी एक दो स्लाइसेस टमाटर के कटे हुए, और फिर हम इसे ढाँक देंगे। ढाक कर पहले शुरू में थोड़ी सी हाई फ्लेम पर पकाएंगे, यानी एक दो से तीन मिनट हाई फ्लेम पर, और फिर 20 से 25 मिनट लो फ्लेम पर पकाने के बाद देखिए कितनी बेहतरीन बिरयानी बनकर तैयार हो जाएगी। ये बिरयानी बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी। देखिए नीचे से बिल्कुल ज़बरदस्त पका हुआ चिकन है और ऊपर चावल भी बिल्कुल परफेक्टली पके हैं, क्योंकि हमने इसे यहाँ पर 99% चावल को पका लिया था। तवा बिरयानी बनाने का टिप यह है कि आपने बहुत बड़ा तवा लेना है और साथ ही आपने चावलों को 99% उबाल लेना है। 99% उबाल कर चावल हमने इसमें ऐड कर छान कर इसमें डाल लेना है, ठीक है। अब देखिए ये हमने इसे सर्व किया है, कितनी बेहतरीन बिरयानी लग रही है। देखा आपने, ये बहुत ही शानदार सी बिरयानी हमारे पास बनकर तैयार है। टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। आई होप कि आपको ये बिरयानी बहुत पसंद आएगी आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सिर्फ़ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई और यूज़फुल रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग सबास बेस्ट क्लासेस।